ये चंद्रमा राधा के मुख की तरह है, रमाननाभम, राधा के मुख की तरह चंद्रमा आभाषित हो रहा, सुशोभित हो रहा है। ऐसा ही आभास प्रभु श्री राघवेंद्र भगवान को हुआ था मिथिला में, जब प्राची दिशा में उन्होंने चंद्रमा देखा था। प्राची दिशि शशि उवे वो सुहावा, प्राची दिशि शशि उवे सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, सिय मुख देखी सरिस सुख शरीर। ये चंद्रमा सीता के मुख की तरह है, ऐसा भगवान राम को आभास हुआ पहले, बाद में कहा ये नहीं सीता के समान नहीं। पहले आभास हुआ सी मुख शरीर देख सुख पावा, आज प्रभु श्री कृष्ण ने भी देखा ये चंद्रमा राधा के मुख की तरह है। रमाननाभम नव कुमारम वनम चतत कोमल गोभिरंजितम, चंद्रमा ने अपनी कोमल किरणों के माध्यम से, गोभी किरणों के माध्यम से व्रज में अमृत बरसा दिया। चंद्रमा अमृत बरसाता है, सुधाकर है वो, अभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा तो अमृत बरसाता ही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सनातन धर्मी जन खीर बना करके चांदनी में रखते हैं, ये चंद्रमा का अमृत इस खीर में पड़ेगा, वो खीर खाने से रोग दूर हो जाएंगे। तो चंद्रमा अमृत बरसा रहा है और अमृत से आज पूरा ब्रज भीग रहा है, लताएं वृक्ष तरु पल्लव सभी उसे आर्द्र हो रहे हैं। वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, तब भगवान ने अपने अधरों पर मुरली रखी, मुर माने कामना, ली माने लीन कर दी, जो सभी कामनाओं को कृष्ण में लीन कर देती है उसका नाम मुरली है। अनंत ब्रह्मांड को जो वश में कर लेती उसका नाम वेणु है। ऐसी वंशी, ऐसी मुरली कन्हैया ने बजाई है, जगौ कलम बजाई है मुरली श्याम सुंदर ने, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, तार सप्तक से मुरली बज रही है। काम क्लीम बीज मंत्र मुरली के माध्यम से निकाला, 16,108 गोटिकाओं के साथ बोले हाँ, बोले तो पहले हमारे दास बन जाओ, हमें स्वामी बनाओ, हमारे तिलक करो, माला पहनाओ, चरणों में दंडवत करो, कह दो हे स्वामी, हमें स्वामी बोलो। भगवान बोले तुम कौन हो, हमें दास बनाने वाले तुम हो कौन, ये बताओ तो भला। वह बोला पूरे विश्व में जानता आप नहीं जान पाए, बोले परिचय दीजिए महाशय। तो बोला काम कुसुम धनुषायक लीने, काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने, सकल भुवन मैं काम जो हूं, मैंने तीनों लोग अपने वश में कर लिए हैं। मोहिनी अवतार के समय भगवान शिव भी मोहिनी के पीछे दौड़े, हमने बड़े बड़े योगियों को वश में कर लिया है। नारद भव विरंची सन का दी, नारद भव विरंची सन का दी, जय मुनि नाथ
जग काम नचावन दे ओ जग काम बोला हम बड़े ऊंचे नचाने वाले हैं हम सबको नचा देते भगवान बोले तुम नचाने वाले हो तो हम क्या तुमसे कम नचाने वाले हैं हम भी नचाने वाले हैं बोले किन्हें नचाते हो बोले जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभो नचावन हारे विधि हरि शंभो नचावन हारे शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी जापर कृपा करें जन जानी कवि उर अजीर नचावहि बानी उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई ये भी नचाने वाले कामदेव बोला मैंने सबको जीत लिया मैंने त्रेता में आप पर भी आक्रमण किया था आक्रमण मैंने कई बार आप पर किया पहला आक्रमण मैंने उस समय किया कंकन किन किन कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुन कहत लखन सन राम हृदय मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा भीष्म विजय चाहती मनसा भीष्म विजय चाहती मानहु मदन मदन कामदेव ने मानो विश्व विजय करने के लिए ये दुंदुभि बजाई है महावाद्य बजाया लेकिन भगवान विजयी हुए तो भगवान ने कह दिया लक्ष्मण मुहियति से प्रतीति मन केरी जेहि सपन हूं पर नारी मेरी तो भगवान विजयी हुए कामदेव कहता है मैं त्रेता में हार गया क्योंकि आप एक नारी व्रत सदाचारी योगी थे द्वापर में आप 16108 गोपिकाओं के साथ रासलीला करने आए हो आज हम विजयी बनेंगे त्रेता में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे द्वापर में लीला पुरुषोत्तम इसलिए आज हम विजयी हो जाएंगे इसलिए बिना लड़े ही हार जाओ भगवान बोले हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और युद्ध में जो विजेता होगा उसे पुरस्कार क्या मिलेगा का जो पराजित हो जाएगा वो विजेता का पुत्र बनेगा ये बीच में शर्त है और अब युद्ध प्रारंभ हो गया कामदेव और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध की लीला का नाम रासलीला है ये बड़ा अलौकिक चरित्र है कोई योगी एकांत में कंदरा में समाधि लगाकर कामदेव को जीत सकता है लेकिन 16108 गोपिकाओं के मध्य अर्धरात्रि में नाचते हुए लीला करते हुए कामदेव को जीत लिया इसलिए भगवान कृष्ण का नाम योगेश्वरेश्वर है तो ये कामदेव और कृष्ण के युद्ध की लीला का नाम रासलीला है जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला का नाम रासलीला है और उस समय भगवान ने जब मुरली बजाई ये मुरली सरस्वती का अवतार है सरस्वती ही भगवान का सानिध्य पाने के लिए मुरली बनी है वंशी बनी है आज भगवान ने जब अधरों पर रखकर मुरली को बजाया तो मुरली मौन है मुरली बोल नहीं रही भगवान कहते हैं बोलो मुरली मुरली मौन है भगवान कहते हैं मुरली यदि तुम बोली नहीं तो तुम्हारा विसर्जन हम यमुना में कर देंगे तो आज बिना बजाए ही वो सरस्वती मुरली
शिखरणी छंद में बोली, करिसे सम्मोहम शिव हृदि रमेशोपि कला सुरेशः स्वत्यागी विबुध बुध ब्रह्मापि विकलः अशेषा शेषो वै त्यजति भुवि भारं मम रवन। शृण्वन् हे स्वामिन् तव मधुर वाचं ददतु नः। आज मुरली कहती है, हे गोविंद, यदि मैं बजूंगी तो करिष्ये सम्मोहम शिव हृदि, शंकर जी के हृदय में भी सम्मोहन उत्पन्न हो जाएगा। रमेशो अपि विकलः, विष्णु भी विकल हो जाएंगे। सुरेशः स्वत्यागी, इंद्र अपना सर्वस्व छोड़ देंगे। विबुध बुध देवता ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी विकलः विकल हो जाएंगे। अशेषः शेषो वै, आश्चर्य तो तब होगा, अशेषा शेषो वही त्यजति भू भारम, शेषनांग जी कहीं पृथ्वी का बोझा ही न छोड़ दें, ये हमको आशंका है कहीं प्रलय न हो जाए। अब आपको जितना अभीष्ट हो आप बजाइए। अब भगवान गोविंद बोले, जितना हमें अभीष्ट होगा उतना हम बजाएंगे। तो जगहु कलम वा मदृशाम मनोहरम, भगवान ने बड़ी सुंदर मुरली बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आ आ जगमुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा क्षयत्र कांतो जबलोल कुंडला क्षयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। भगवान ने जो मुरली बजाई उससे जो गीत निकला वो अनंग वर्धन है, कामदेव को बढ़ाने वाला है, कामदेव का वर्धन करने वाला है, ऐसा गीत निकाला। कामदेव से ही युद्ध हो रहा है और कामदेव को बढ़ाने वाला गीत निकाल रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं, कामदेव अभी तुम्हारा पराक्रम बहुत स्वल्प है और पराक्रम बढ़ाओ तब युद्ध करना। दूसरा भाव है अनंग वर्धनम, कामदेव कोई साधारण योद्धा नहीं है, बड़ा ही दुराधर्ष है, बड़े बड़े योगियों को क्षणमात्र में धराशाही करने वाला तापस सूर कवि को धराशाही करने वाला कामदेव है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जयि शत्रु महाबाहो कामरूपी दुरासदम, ये बड़ा दुर्धर्ष योद्धा है, पहले कामदेव को मारो। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। तो भगवान ने विचार किया, कामदेव बहुत बलवान योद्धा, धनवी, बड़ा विकराल धनुर्धर है, पुष्प धनवा। तब भगवान श्याम सुंदर ने देखा, कामदेव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके फेंक दिए हैं। शरद ऋतु की जगह बसंत ऋतु आ गई है, पांच बाण है कामदेव के, मारण मोहन सम्मोहन वशीकरण आकर्षण, ये पांचों बाण उसने छोड़ दिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों विषय व्याकुल हो रहे हैं काम के कारण। भगवान गोविंद ने सोचा कि हम साधकों की साधना, उनका आत्म तेज, उनका आत्म बल बढ़ा देंगे। अनंग माने आत्मा, जो अंग रहित है, प्रकाश है भगवान का,
अनंग वर्धनम, इस प्रकाश को बढ़ा दिया, आत्म तेज को बढ़ा दिया, गोपिकाओं के और भक्तों की आत्मा के दिव्य तेज को बढ़ा दिया है। अनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। अब जब मुरली कानों में गई है गोपिकाओं के, तो कृष्ण गृहीत मानसाः, भगवान कृष्ण ने इन गोपिकाओं के मन ग्रहण कर लिए, खींच लिए। कृष्ण जी का यही काम है, नाम ही उनका ऐसा है, कर्षत सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः, जो समस्त प्राणियों के मन को खींच लेते हैं वह कृष्ण, ऐसे भगवान कृष्ण। उन्होंने मन खींच लिए गोपिकाओं के, जब मन खींचे हैं तो अब गोपिकाएं वहीं जाएंगी जहां भगवान है। दूसरा मन खींचने का भाव है कृष्ण गृहीत मानसः, कामदेव मन में पैदा होता है, उसका नाम है मनसिज, मनसिज मन में पैदा होता है। भगवान ने विचार किया कि गोपिकाओं के पास मन बना रहा तो ये कामदेव उसमें प्रवेश कर जाएगा, इसलिए इनके पास मन नहीं रहने देंगे। तभी भक्त लोग अपना मन भगवान को अर्पित कर देते हैं, कहते हैं हे प्रभु हमारा मन आप स्वीकार कर लो, ये मन बड़ा चंचल है, ये भजन में बाधा करता है, इसलिए मन हमारा आपको अर्पण है। तभी कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, मन भी भगवान को दे देते। महाराज श्री रहीम जी ने एक श्लोक लिखा, रत्ना करे तब गृहे पत्नी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, राधा गृहीत मनसो अमनसो च दुभ्यं संकल्पितम् निज मनः तदिदं ग्रहाण। हे भगवान, हे नारायण, आपका घर तो रत्नाकर में है, मैं कौन सा रत्न आपको प्रदान करूं। रत्नाकरे तब गृहे, रत्नाकर समुद्र में जहां रत्नों के ढेर है वहीं आपका निवास है, और पत्नी च पद्मा, आपकी पत्नी तो लक्ष्मी है, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, और मीठा बनाओ थोड़ा, मैं आपको क्या दे सकता हूं, प्रवेश कम कर दो, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हम आपको क्या दें, आप तो जगदीश्वर हैं, एक वस्तु आपके पास नहीं है। वो कौन सी वस्तु नहीं है, बोले आपका मन, आपका मन चोरी हो जाता है। कौन चुरा लेता है, बोले राधा गृहीत मनसो, आपका मन राधा के पास रहता है, आप बिना मन के हो, कृष्ण जी का मन राधा के पास रहता है, और ये अमना है, मन रहित है। और राम जी का मन कहाँ रहता है, आप कहेंगे राम जी का, राम जी के पास, वो बड़े गंभीर हैं, है? बड़े भोले भाले हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं हनुमान जी के माध्यम से जो संदेशा भिजवाया उसमें सीता जी से राम जी ने कहा है, तत्प प्रेम कर मम यरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रही तो ही पाही जान प्रीति रस इतने ही मां। राम जी का मन सीता जी के पास रहता, ये भी अमना। तो भक्त कहते हैं संकल्पितम निज मनः, हम अपना मन आपको दे रहे हैं, आप मेरा मन ले लीजिए, हम मन आप पर अर्पण करते हैं, तदिदम ग्रहण, इसे ग्रहण कर। अपना मन जिसने गोविंद को दे दिया वो तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आज गोपिकाओं के मन भगवान कृष्ण ने स्वयं ले लिए, इतनी बड़ी कृपा की है गोपिकाओं पर, उनके मन खींचकर अपने भीतर रख लिए भगवान ने।
कृष्ण गृहीत मानसा। अब तो गोपी गायें अपने घर से चल पड़ी है, रात में ही जो कार्य था वैसे ही छोड़ दिया। क्षेत्र कांतो जब लूल कुंडला, रात्रि में गोपी गायें निकल पड़ी अपने भवनों से। ये संसारिक रात्रि है, या निशा सर्वभूतानां पश्याम जागृत संयमी, ये श्याम जागृत भूतान ईशा निशा पश्यतो मुने। संसार रात्रि है, इसमें भोगी सो रहा है और जोगी जग रहा है। यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जा रही है, पहले अपने अपने घरों का काम कर रही थी। दुवंत्यो वभियु काश्यद दोहमित्वा समुत्सुकाः पयोदिश्रित संयावान अमदवास्या पराजयो। कुछ गोपिकाएं अपनी गैयां दो रही थी। जैसे ही कन्हैया की मुरली कान में पड़ी, दोहनी गली में फेंक दी, और न गैया है न दोहनी है, खाली हाथ दूते हुए की भांति भाव में मग्न, ऐसे हाथ खाली दूते हुए चली जा रही है। पयो अधिष्ठित संयावान कड़ाहियों में दूध उफना रहा है, वैसे ही उफनाता हुआ दूध छोड़ दिया, संयाव हलवा जलता हुआ छोड़ दिया। अर्धवाश्या पर आ गई, चल पड़ी भगवान से मिलने। परिवेशेन्त्या तदहित्वा पायेन्त्या शिशून पयः शुश्रूषन्त्या पतीन काश्चिद् अंत्योपास्य भोजन। कुछ गोपिकाएं साड़ी पहन रही थी, आधी साड़ी पहनी आधी धूल में घिसटती जा रही है और भगवान से मिलने हेतु जा रही है। शुश्रूषन्त्या पतीन काश्चित, कुछ गोपिकाएं पति सेवा कर रही थी, चरण चाप रही थी। जैसे ही मुरली सुनी पति सेवा छोड़ दी, चल पड़ी। वो बोले कहां जा रही? बोली अभी आ रही, फिर लौटी नहीं, चली गई। शुश्रूषन्त्या पतीन काश्चित अंत्योपास्य भोजनम, कुछ गोपिकाएं भोजन कर रही थी, एक और मुख में एक हाथों में, ऐसी बावरी बनी जा रही। लिम्पन्त्यः प्रभजन्तन्यः अञ्जन्त्यः काश्यलोचने, कोई गोपी लीप पोत रही थी, वैसे ही सौंदे हाथ वस्त्रों में चुपड़ती हुई जा रही है। अञ्जन्त्यः काश्यलोचने, कोई कोई गोपी, किसी किसी गोपी ने एक आंख में लगाया अंजन, और तब तक सुनी मुरली, दूसरे में बिना अंजन के निरंजन बनी जा रही। एक ने काजल की डिब्बी हाथ में ली, उंगली में काजल भी निकाला, तब तक कन्हैया की मुरली बजी। अब आंख में लगाने की जगह मुंह में पोतने लगे काजल, मुंह में पोतती हुई चली जा रही। ऐसी स्थिति बावरी हो गई, कृष्ण के प्रेम में बावरी बनी जा रही हैं गोपिकाएं। कुछ गोपिकाओं के घर वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया, भीतर वाली कोठरी में बंद कर दिया। अंतर गृहगता काश्चिद गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, भीतर जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विनिर्गमः नास्ति व्यंगा नाम अपि निर्गमः यत्र नास्ति, जहां से पक्षी भी नहीं निकल सकता, ऐसी जगह बंद कर दिया, कोठरी में ताला लगा दिया, यहीं रहो नहीं जा सकते। अब इन्होंने वही कोठरी में बैठे बैठे नेत्र बंद किए, कृष्णस्तद भावना युक्ता दधुर्मीलित लोचना। नेत्र बंद करके अपने भवनों की कोठरी में बंद इन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया कन्हैया का। अब कन्हैया का ध्यान किया तो इनके हृदय में कृष्ण के प्रति विरह की वेदना उत्पन्न हो गई। दुस्साह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पाप धुता शुभा, ऐसा दुस्सह प्रेम का विरह उत्पन्न हुआ, असहनीय पीड़ा। दुस्सह प्रेष्ठ विरह
तीव्रता पाप दुता शुभा। कृष्ण विरह की ज्वाला में इनके त्रिताप पाप जलकर भस्म हो गए। ध्यान प्राप्त त्युतश्लेष निर्वृत्ता क्षीण मंगला। ध्यान में गोविंद ने प्राप्त हो गए, इनके अमंगल नष्ट हो गए। जहुर गुणमयम देहम और इन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गए, इनकी देह दिव्य हो गई। गोपिकाओं घर में बैठे बैठे ध्यान में गोविंद मिल गए इन्हें और ये दिव्य गोपी हो गई। जहुर गुणमयम देहम गुणमयी देह प्राप्त हो गई इन्हें। और जो जा रही है गोपिकाएं, उन्होंने पहले सोचा था हम अकेली चली जाएंगी कन्हैया से मिलने, लेकिन वहां 16,108 गोपिकाओं की भारी भीड़ है। एक गोपी ने दूसरी से कहा, सखी क्या तुमने कन्हैया की मुरली सुनी है? बोले सुनी है। बोले तुम न सुनो। अरे सुनती हो कहा भगी जाऊ घरे, विधि जाओगी काम के बानन में। 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 यह बंसी निवाज भरी विष की। यह बंसी निवाज मगर आवत है विष प्राणन में। मगर आवत है विष प्राणन में। अब ही घर भूली हो भोरी भटू। अब ही घर भूली हो भोरी भटू। और हो जब मीठी सी तानन में। जब कुलकान जो आपनी राखे चहो। कुलकान जो आपनी राखे चहो। ते रहो अंगुरी दो कानन में। ते रहो अंगुरी दो कानन में। कानों में उंगली लगा लो कन्हैया की मुरली नहीं सुनो। एक बोली हमने तो निर्णय ले लिया था, कानन दे अंगुरी रही वो। जब ही बांसुरी धुन मंद बजनी है। जब मंद मंद बांसुरी की धुन बजाएंगे तो कानों में उंगली लगा लेंगी। लेकिन सखी वो मुरली तो हमारे हृदय के भीतर प्रवेश कर गई, अभी चैन नहीं लेने देती। चैन गयो चित से सखी मेरे, सुनी जब से हरि की बसुरी। निशिवासर नयनन नींद नहीं, उपजावत ताप सदा बसुरी। बिन व्याधि भय है असाधि सब सखी, कसकत है पसुरी पसुरी। मिली भागी चले ब्रज से कहूं अंत ही, अब तो ब्रज में रही है बसुरी। एक गोपी बोली हमाओ बस चले तो दुनिया भर के बांसन में आग ही लगा दें। आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन में उपजे बसुरी। पधारी आचार्य, आग लगा दें उन बांसों में। आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन में उपजी बसुरी। अब हो रही होत पुकार करे मुई, और चैन न देत दिना दसरी। तो बताया ऐसे मुरली के विषय में कहती जा रही है। महाराज परीक्षित जी, महाराज परीक्षित जी पूछते हैं पूजनीय सुखदेव जी, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुनि। ये गोपिकाएं भगवान कृष्ण को अपना परम कांत मानती हैं, ब्रह्म नहीं मानती। न तु ब्रह्मतया, इन्हें ब्रह्म नहीं मानती। न तु ब्रह्मतया मुनि, तो क्या इन्हें भी
भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि देखिए चैत्य नरेश जो था शिशुपाल, वो भगवान से द्वेष करता था और द्वेष करते हुए द्वेष भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करता हुआ भगवान को प्राप्त हो गया। दुष्यन्नपि ऋषिकेशम किमुता अधोचज प्रिया हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र आदि भगवान से द्वेष करते थे। दुष्यन्नपि ऋषिकेशम, जो द्वेष करते थे उन्हें भी भगवान ने अपना धाम दिया। छल करने वाले मरीच को, पूतना को अपना धाम दिया। तो भगवान से किसी रीत से कोई जुड़ जाए, कोई भी भगवान से नाता बना ले अपना, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतां यान्ति तन्मयतामिति। काम से ही भला जोड़ लो, काम से कामना हो जाए, काम हो जाए तो काम से भी प्राप्त हो जाए। क्रोध से रावण आदि क्रोध करते थे, भय कंस भयभीत रहता था। कामं क्रोधं भयम्, कामं क्रोधं भयम् स्नेहं, स्नेह ऐक्यम एकत्व भाव अहम ब्रह्मास्मि, सौहृदम मित्रता के नाते सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधताम। नित्य भगवान का चिंतन करते करते किसी भाव से कोई भी नाता जोड़ लो। नाता के बिना नहीं मिलेंगे, नाता तो जोड़ना पड़ेगा। भगवान को नातेदार बनाओ। शिवरी से भगवान बोले, सुनो भामिनी अब मम यह बाता, मान हुए एक भक्ति कर नाता। मैं भक्ति का नाता मानता हूं, सबसे अच्छा नाता भक्ति वाला। लेकिन भाई ये तो अपने अपने लोग कहते हैं डील डील का नाता, अलग अलग नाते हैं। कोई अपना नाता दूसरे पर आरोपित तो नहीं कर सकता। काम ही नहीं, स्वामी मानते तुम भी मानो, किसी ने काम नहीं मानते स्वामी, हम इन्हें सखा मानते। तुलसी बाबा ने माना स्वामी, हमारे स्वामी हैं राम जी। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी, स्वामी है राघव हम दास हैं, ऐसा नाता मान लिया। सूरदास जी बोले, नहीं स्वामी वाला नहीं मानेंगे हम, तो सखा बनाएंगे, श्याम सखा है हमारा, मित्र है। तो मीरा ने कहा, नहीं हमारे हमारे तो पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर गोपाल तो हमारे पति हैं। जायसी ने भगवान को पत्नी के रूप में चित्रित किया पद्मावत महाकाव्य में, नारी के रूप में। ये तो भाई भक्तों के मन है, किस नाते से बरसाने हम गए तो ब्रह्म पर्वत पर राधा रानी का मंदिर है, कई सीढ़ी है, 250 लगभग सीढ़ी है, 260। तो वहां सीढ़ियों पर घूंघट मारे, 16 श्रृंगार किए, साड़ियों में बैठे, तो हमने कहा कोई देवियां बैठी होंगी। तो वहां के लोग बोले, नहीं ये गोपी बने हुए बाबा लोग हैं, ये गोपी बाबा नारी बन गए भगवान कृष्ण के प्रेम में, पुरुष से नारी बन गए। तो भगवान को पति रूप में मानते, सखी बाबा बन गए। तो भाव है तुलसी बाबा के भाव, शंकर जी के भी भाव। शंकर जी ने तीन नाते बना दिए, सेवक स्वामी सखा।
एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा। तुलसी बाबा ने कहा एक नाते से यदि प्रसन्न न हो तो कई नाते हमारे तुम्हारे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। नाथ को अनाथ को अनाथ को नमोसो, मो समान आरत नहीं आरती हरतोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मां तू पितु सखा सब विद हितु मेरो। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे जेही विद तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्त थयु भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो जिस रीत से हमारा भजन करते हैं हम उन्हें उसी रीत से प्राप्त हो जाते हैं। तो जो हृदय में नाता अच्छा लगे वो मानो, कोई बंधन नहीं भगवान ने डाला कि तुम हमें स्वामी मानो, हमें इष्ट देव ही मानो। तुम जो मानो, कांता सम्मित भाव हो वो भी ठीक है। गोपिकाओं ने भगवान को कांत माना है, कांता सम्मित प्रेम है, अपने पति माना है। कि मुता अधोक्षज प्रिया, ये अधोक्षज करुणा भरणालय भगवान कृष्ण की प्रियतमाएं हैं, प्रिया हैं। इन्हें क्यों नहीं भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ऐसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उद्बोधन किया। इतने में गोपिकाएं आ गईं वंशी भट्ट के पास। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं स्वागतम स्वागतम ओ महाभागा, प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं शीघ्रम् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभाग्यशाली गोपिकाओं, तुम्हारा स्वागत है। प्रियं किं करवाणि वह, बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। व्रजस्यानामयं, ब्रज में कुशलता है, आने का कारण बताओ। ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्वनिषेविता, प्रतियात ब्रजमनेह स्थेयम स्त्रीभिर्षु मध्यमा। रजन्नेशा घोर रूपा, ऐसा रजनी घोर रूपा, ये रात्रि बड़ी भयावनी है। घोर सत्व निषेविता, यहां पर घोर तत्व भ्रमण कर रहे हैं। प्रतियात ब्रजम, ब्रज को लौट जाओ। नेह इस्थे न इह स्थेयम, यहां नहीं रुको। तुम्हारी जैसी सुमध्यमा कोमलांगी गोपिकाओं को यहां रुकना नहीं चाहिए, लौट जाओ। इन भीतर का भाव दूसरा है भगवान का। रजन्नेशा घोर रूपा, ऐसा रजनी अघोर रूपा, ये रात्रि बड़ी ही सुहावनी है। अघोर सत्व निषेविता, यहां योगी लोग विचरण कर रहे हैं। प्रतियात ब्रजम न, ब्रज को लौट के मत जाओ। इह स्थेयम, यही रुको। सुमध्यमा, तुम्हारे जैसी गोपिकाओं को यहीं रुकना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। भीतर का भाव ये, ऊपर से कह रहे जाओ। क्या तुमने यहाँ यमुना का कभी तट नहीं देखा था? तरुपल्लव शोभितम, तरुपल्लों से सुशोभित तट नहीं देखा था? देख लिया, लौट जाओ। यहाँ की सुंदर वनराजी सुशोभित शोभा नहीं देखी थी? यमुना पुलिन नहीं देखा था? देख लिया, लौट जाओ। अथवा मद स्नेहा तो, अथवा मद स्नेहा तो भवंतो यंत्रिताशय, अथवा मेरे स्नेह के कारण तुम आई हो तो जाओ, घर में हमारा ध्यान करो। भाव में हमें हमारा ध्यान करो। ध्यान में जो आनंद है वो दर्शन में नहीं, ध्यान करो।
जो विरह में सुख है वो मिलन में नहीं है। जाओ लौट जाओ, मेरा ध्यान करो, अनुस्मरण तो मां मेरा चिंतन करो, जाकर लौट जाओ। देखो गोपी गाओ कृंदंती बाला वत्सास्तु, तुम्हारे बछड़े रमा रहे होंगे, गौ में रमा रही होंगी, जाओ उनके चारा की व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो। तुम्हारे भ्राता पिता पति तुम्हें खोज रहे होंगे, जाओ लौट जाओ, उनकी व्यवस्था करो। फिर जब नहीं लौटी गोपिकाएं, सोच रही देखो अभी बुलाया बांसुरी के माध्यम से, अब कहते लौट जाओ। जब नहीं लौटी गोपिकाएं तो भगवान बोले, भरत शुशूषण नारीणाम परो धर्मो हि माया तद बंधूनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषण। अपने पति की सेवा करना नारी का परम धर्म है। भरत शुशूषणम नारी नाम परो धर्म, नारी का परम धर्म है अपने पति की सेवा करे। भरत शुशूषणम नारी नाम परो धर्म हि माया तद बंधूनाम च कल्याण। अब केवल इतना ही नहीं कि अपने पति की सेवा करे और पति के माता पिता भ्राता और परिवार की तरफ ध्यान न दे, ऐसा भी नहीं, तद बंधु नाम च कल्याण, जो पति के बंधु वर्ग के लोग हैं, माता पिता हैं माने सास ससुर हैं, उनकी भी व्यवस्था करे, सार संहार करे। ये नहीं कि अकेले अलगाववादी परिवार हो जाए। यहाँ हमारे कृष्ण जी संयुक्त परिवार का उपदेश कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में सुख दुख एक दूसरे का बांटते हैं, और जहाँ दो ही हैं तो बड़ी कठिन समस्या है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो महाराज कह रहे माता पिता का भी ध्यान रखो, उनके बंधु वर्ग का कल्याण करो, और प्रजा नाम चानुपोषण, जो सेवक वर्ग है प्रजा उन पर दया का भाव रखो। ये नहीं कि धन के घमंड में उनका शोषण करो, अनादर करो, उनका अपमान करो। बहुत सी देवियां प्रजावर्ग को बड़ा सम्मान करती हैं, बड़ा आदर, उन्हें नाना प्रकार की वस्तुएं वस्त्र धन सब दे करके सम्मानित करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी घमंडिनी है, वो कहो बात बात पर डांटे। तो यहाँ हमारे भगवान कहते सेवक वर्ग को डांटिए नहीं, उनको दुलार प्रेम से रखिए। प्रजानाम चानु कल्याणम, प्रजानाम चानु पोषणम, उनका पोषण करो, पालन करो, ये भाव नारी का है। जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती, पति का आदर नहीं करती, पति का अनादर करती है, पति कैसा भी क्यों न हो, भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जगत गुरु भगवान है, कहते दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भी नहा तब्यो लोके स्वभिपादकी। पति चाहे कुरूप हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, निर्धन हो, ऐसे भी पति का अपमान नारी द्वारा नहीं होना चाहिए। इसी का अनुवाद हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में किया है। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, ऐसे पति कर कर अपमाना, ऐसे पति कर कर अपमाना, नारी भाव जमपुर दुख नाना, नारी भाव जमपुर। भगवान कृष्ण ने ऐसा उपदेश किया और ये सभी देवियों को मानना है, मानना चाहिए। भारतवर्ष की नारी तो देवी है, तो
जहाँ हमारे भगवान जगतगुरु भगवान कृष्ण नारियों को शिक्षा देते हैं, भागवत में दशम स्कंद के 29वें अध्याय में, वहीं पर हमारे मानव मात्र के रचयिता मानव आचार संहिता की रचनाकार स्वयं मनु लिखते हैं मनुस्मृति में, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतासुन पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला क्रिया। जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करते हैं। और जहां नारी का अनादर होता है, नारी रोती है, दुख पाती है, घुटन में रहती है, बड़ा शोषण प्रताड़ना होती है, वहां की क्रियाएं असफल हो जाती हैं और वंश नष्ट हो जाता है। विनश्यन्ति तत्कुलम्। तो नारी यदि पतिव्रता है तो पुरुष भी सदाचारी हो। राम जी ने तो अपने राज्य में एक अधिनियम बनाया था। कौन सा नियम बनाया था? कानून नियम नहीं था, वो अधिनियम था। नियम है कुछ लोग पाले कुछ लोग नहीं पालते, अधिनियम तो मानना ही पड़ेगा। अधिनियम बनाया था भगवान ने, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सुचि स्वधर्मम गृह में धीयन शिक्षयम स्वयं आचरत। सभी हमारे राज्य में एक पत्नी व्रत होंगे, दूसरा विवाह जो करेगा उसे जेल मिलेगी। जेल तो बनवाई नहीं थी, दूसरा विवाह किसी ने किया नहीं थे, एक ही नारी व्रत रहे सब। अगर पत्नी है पतिव्रत तो पुरुष है पत्नी व्रत, ये शब्द भागवत में मिला। पत्नी व्रत, पतिव्रत सब चाहते हैं, पत्नी व्रत भी होना, पत्नी व्रत एक पत्नी व्रत, उसमें भी एक शब्द पहले जुड़ा, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि। भगवान राम राजर्षि और चरिता सुचि, उनका चरित्र बड़ा पवित्र है, उनका चरित्र सुनते ही जीवन पवित्र हो जाता है। राजर्षि चरिता सुचि स्वधर्मम गृह में धेयम, इस स्वधर्म को उन्होंने स्वयं घर घर पहुंचाया और स्वयं पालन किया, स्वयं आचरत। उपदेश वही अच्छा लगता है जो आचरणबद्ध हो, आचरण में उतारा गया। उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यज्ञ में राघव पत्नी की जरूरत है, तुम सीता का परित्याग कर चुके हो, या तो सीता को बुलाओ या दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा सीता को हम निर्वासित कर चुके हैं, बुलाएंगे नहीं और दूसरा विवाह हम करेंगे नहीं।